इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ। यहां से अपडेट की बात करें, मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनावों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के कमजोर कड़ी सभी के सामने उभर कर सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने 2023 के चुनाव के पहले बीजेपी के मुकाबले खुद को मजबूत बनाने के लिए मंडल सेक्टर से लेकर बूथ प्रभारी तक तैनात करने का प्लान तैयार किया था। पार्टी ने बूथ स्तर पर खुद को मजबूत बनाने के लिए एक बूथ पांच युद्ध जैसे अभियान चलाए थे, लेकिन आलम यह कि बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी नगरीय निकाय चुनावों में सक्रिय तौर पर दिखाई नहीं दे रहे। नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की ज्यादा सक्रियता नहीं दिखने के पीछे बड़ी वजह संगठन के पदाधिकारियों के चुनाव मैदान में व्यस्त होना है, और यही कमजोरी कांग्रेस के लिए नगरीय निकाय चुनावों में चुनौती बन गया है। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में प्रदेश महिला कांग्रेस की कमान विभा पटेल को सौंपी थी, लेकिन उन्हें भोपाल का महापौर पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद महिला कांग्रेस निष्क्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग का अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा को बनाया था, लेकिन वह भी सतना में पार्टी के उम्मीदवार है। दूसरी ओर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देने पर संगठन से जुड़े पदाधिकारी नाराज है। यही हालत सेवादल और दूसरे मोर्चा संगठनों की है। आलम यह है कि वार्ड स्तर पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को मंडल सेक्टर और बूथ प्रभारी ढूंढने नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, यदि उस पर उम्मीदवार अपनी समस्या भेजेंगे तो उसका समाधान पीसीसी स्तर पर किया जाएगा। तो ये था अब तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।